हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। ये क्लास नंबर 4 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। वहाँ पे हमने काफी डिटेल में क्वेश्चन किए। गाइस अगर आप बिगनर है तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पीओ के एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे 5 to 6 मार्क्स पे आता है, वही क्लरिकल के एग्जाम पे सिंप्लीफिकेशन 15 मार्क्स का आता है। तो अगर आपको क्वांट के सेक्शन में अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम 1000 क्वेश्चन करने वाले, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एवरी 2023 के एग्जाम के लिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिले। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। गाइज ये पूरे वीडियो आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। गाइज हमारा स्टडी वाइज चैनल का मोटो ही है, अगर आपकी कंडीशन भी नहीं होगी तो आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन में, ट्रैवलिंग में, मॉक टेस्ट लेने में बहुत सारा पैसा जाता है। गाइस तो गाइस एटलीस्ट आपके एजुकेशन में कोई भी मनी नहीं लगे, आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप भी एक बेहतर लाइफ जी सके। तो चलिए गाइस यहां पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। यहां पे क्लास 1 में मैंने आपको यहां पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन बताया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन रट के होना चाहिए, और वहां पे मैंने एक बेस्ट ट्रिक बताई थी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 45% ऑफ यहाँ पे 240, तो यहाँ पे 45% निकालना तो हार्ड है गाइस, तो इसे हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे 45% को मैं लिखता हूँ 90% एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीका ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे अगर ऐसा होगा 45% या फिर यहाँ पे कोई भी हार्ड नंबर होगा तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा एंड इसका आधा करना पड़ेगा। अब इसका आधा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका आधा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 90% ऑफ क्या मिलेगा, 90% ऑफ 120 मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया, इस 45 का डबल कर दिया एंड यहाँ पे 240 का हमने आधा कर दिया। ठीक है, तो अगली बार से हम डायरेक्ट करते जाएंगे, और ये कैसा होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा यहाँ पे 90% ऑफ क्या है, 90% ऑफ 120 है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, अब इस परसेंट से ये वाला जीरो कट हो जाएगा एंड ये वाला जीरो कट हो जाएगा। अब ये कैसे, तो यहाँ पे क्या है 90% है। ठीक है, तो इस परसेंट को मैं 1/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंट की वैल्यू क्या है, 1/100 है, तो यहाँ पे 120 है। अब यहाँ पे ये जीरो के साथ ये जीरो कट हो गया एंड ये जीरो के साथ ये जीरो कट हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला था गाइस, यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन है ये क्या होता है, ये 2-0 कटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस परसेंटेज से मैंने यहाँ पे जीरो एंड यहाँ का जीरो कट कर दिया। अब यहाँ पे 12 × 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 × 9 बना देता हूँ मैं। ठीक है, 9 × 12, अब यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 65 का डबल क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे 130% लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 130% ऑफ किसका है, अब इसका आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 380 का आधा क्या होगा, यहाँ पे 38 का आधा तो 19 होता है एंड जीरो पीछे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इस परसेंटेज साइन से ये जीरो कट हो जाएगा एंड ये जीरो कट हो जाएगा इस फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 × 9 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे 13 × 9 करना तो हार्ड है, तो आप क्या करो, इस 19 को सबसे पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करो। अब 19 × 1 क्या होता है, 19 होता है। अब इस 1 के बाद एक प्लेस है तो यहाँ पे एक जीरो दे दो। अब यहाँ पे 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 19 × 3 जा क्या होता है, 19 × 3 जा तो यहाँ पे 57 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 57 लिख दो। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, अब यहाँ पे कैसे करेंगे इन दोनों की एडिशन, सबसे पहले आप 19 में 5 ऐड कर दो, एक प्लेस छोड़ देंगे एंड यहाँ से एक प्लेस छोड़ देंगे। अब 19 + 5 तो बच्चा भी कर सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 + 7 क्या होता है, 0 + 7 तो 7 होता है, तो यहाँ पे 247 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 247 लिखता हूँ। अब यहाँ पे 12 9 का क्या होता है, 108 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 108। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है, यहाँ पे लास्ट का एक एक डिजिट छोड़ दो। अब यहाँ पे 24 + 10 क्या होता है, ये तो बच्चा भी कर सकता है, 34 होता है। एंड गाइस यहाँ पे 10 के बाद एक प्लेस है एंड यहाँ पे 24 के बाद एक प्लेस है, तो यहाँ पे पीछे मैं 0 दे दूंगा। अब यहाँ पे 8 + 7 क्या होता है, 8 + 7 तो 15 होता है, तो यहाँ पे 15 हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 355 आंसर मिल गया। तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलता है, 355। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड ये क्वेश्चन अब राइट हैंड साइड का सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ पे मिला हमें 355 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स इंटू 39 जो क्या होता है, 117 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 117। अब ये 117 ये राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस के साइन में है, इस 117 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 355 यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे 117 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना,
करना है गाइज, यहाँ पे 35 में से आपको 11 निकालना है, एक एक प्लेक छोड़ देगी, ठीक है। अब यहाँ पे 35 में से 11 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा, क्योंकि ये तो बच्चा भी कर सकता है। अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे 5 में से 7 को निकालना है। अब 5 में से 7 को क्यों, क्योंकि 355 बड़ा है एंड यहाँ पे 117 छोटा है, तो आपको बड़े में से छोटा निकालना है। अब यहाँ पे 35 में से 11 निकालने के बाद तो 24 आ गया, अब यहाँ पे 5 में से 7 निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 5 में से तो 7 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इस 24 में से एक इसको दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड 24 में से एक चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 23 बचेगा। अब यहाँ पे 15 में से 7 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 लिख देंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 238। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में 238 कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर डी 238। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा गाइस, कि एक का डबल कर दो एंड दूसरे का आधा कर दो, ठीक है, दोनों जगह पे सेम कंसेप्ट लगाई मैंने। और यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसे ही हम कैसे लिख सकते, 3 2/7 है, ठीक है, तो इसे ही हम कैसे स्प्लिट कर सकते, यहाँ पे 3 प्लस क्या लिख सकते हैं, 2/7 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे रहता -3 2/7 रहता तो इसे कैसे स्प्लिट करते, यहाँ पे -3 एंड यहाँ पे माइनस साइन था तो फिर से माइनस साइन आएगा एंड यहाँ पे 2/7 आएगा, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन के कुछ रूल्स है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 1 2 3 में बता दिए। अब इसे मैं कैसे लिखता हूँ आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसे ही कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 3 + 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 + 1 क्या होगा, 21 होगा। अब 21 - 4 क्या होगा, यहाँ पे फिर से 17 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 17 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2/7 है तो आपको यहाँ पे 1/7 दिख रहा है। आपको कभी भी फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पे 7 दिख रहा है बट यहाँ पे 7 नहीं था एंड यहाँ पे 7 नहीं था, तो यहाँ पे तो मुझे 7 दिख रहा है, तो इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 2/7 - 1/7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 1/7 हो जाएगा। तो 2 - 1/7 मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/7 होता है, तो यहाँ पे +1/7 लिखता हूँ। अब +1/7 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2/7 बड़ा था एंड 2/7 का साइन क्या था, प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस ये दोनों फ्रैक्शन की एडिशन करके देखते हैं, यहाँ पे 9 है एंड यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों की एडिशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे +3 है, तो 7 + 3 क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे +10/9 लिखूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यही कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ प्लस यहाँ पे 2/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 17 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पे +17 प्लस क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 and 3 9 को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पे +1 हो जाएगा, +3/9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -4 1/7 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा एंड माइनस का 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, ये जो भी सिंगुलर नंबर है उन सब के मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दी पहले, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 3 + 17 क्या होता है, 20 होता है, 20 + 1 = 21, 21 - यहाँ पे 4 क्या होता है, यहाँ पे 17 होता है, तो 17 पहले लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शन की मैंने एडिशन कर दी क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर मुझे सेम दिख रहा था, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे ये आंसर मिला। अब ये दोनों जो रिमेनिंग यहाँ पे फ्रैक्शन थे उनकी यहाँ पे एडिशन करने के बाद मुझे ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फ्रैक्शन की एडिशन है, तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने का एक बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूँ, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 1 को एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 7 को, ठीक है। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 10 को एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो 9 को, तो यहाँ पे 10 × 7 हो जाएगा एंड यहाँ पे 9 × 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 9 × 7 है एंड यहाँ पे भी 9 × 7 है, ऐसे करके हमने डिनोमिनेटर सेम ही किया है। इसका है मतलब इसका हमने सिंपल लैंग्वेज में LCM लिया है, LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 7 के भी टेबल में यहाँ पे 63 आता है एंड यहाँ पे 9 के भी टेबल में 63 आता है, इसका है मतलब ये 63 क्या है, इसका LCM है, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या मिल गया, यहाँ पे 1 × 9, तो यहाँ पे 17 प्लस क्या हो जाएगा, 1 × 9 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे 7 × 10 क्या हो जाएगा, +70 हो जाएगा। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिला, दोनों जगह पे 63 मिला, तो 63 की एडिशन नहीं करनी है, ये सिंपली कॉमन लेके एक ही बार लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे 17 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 79
9 हो जाएगा, 79 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 63 हो जाएगा। अब आपको ये वाला आंसर यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या 17 प्लस, कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है गाइज, यहाँ पे ऊपर 79 है, तो 79 को ही मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ यहाँ पे 79 को, यहाँ पे 79 को 63 प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं, 63 प्लस यहाँ पे 16 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड नीचे क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, क्योंकि 63 प्लस 16 क्या होता है 79 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को स्प्लिट कर देंगे बीच में एडिशन का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 अपॉन 63 हो जाएगा, बीच में आएगा प्लस, एंड यहाँ पे 16 अपॉन 63 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16 अपॉन 63 एंड ये 17 एज इट इज। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 63 अपॉन 63 को 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 प्लस 17 क्या होता है, यहाँ पे 18 होता है, ठीक है। तो 18 प्लस यहाँ पे क्या है 16 अपॉन क्या है 63, ठीक है। तो यहाँ पे 18 प्लस 16 अपॉन 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 16 अपॉन 63 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसी को मैं इसमें स्प्लिट कर सकता हूँ, तो इसका ही कन्वर्जन मैं इसमें कर सकता हूँ ना। अगर ये इसका बेटा है तो बाप तो सेम ही रहेगा ना, बाप तो चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या है 18 16 अपॉन 63 है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 18 16 अपॉन 63, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने काफी अच्छी तरीके से मिक्स फ्रैक्शन के साथ खेला है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे ए पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे क्यू इंटू ए करना पड़ता है, जो भी आंसर आएगा वाई तो उस y में ये p ऐड करना पड़ता है, ठीक है। पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, तो यहाँ पे y प्लस पी एंड डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे q आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं करके भी बताता हूँ, ये मैं एवरी बार q करके बता रहा हूँ गाइज, ताकि आपको पता चले, ये एवरी क्लास में मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 3 2 बाय 7 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 7 इंटू 3 करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 21 मिलेगा, ठीक है। अब इस 21 में न्यूमरेटर ऐड करना है, पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फिर एडिशन की। अब यहाँ पे 21 प्लस 2 क्या होता है, यहाँ पे 23 होता है, तो यहाँ पे 23 लिखूंगा। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर यहाँ पे मुझे एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो इसी मिक्स फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 इंटू यहाँ पे 19 है, तो इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 323 आता है। अब यहाँ पे मैंने इतने फास्ट वे में इसका आंसर कैसे निकाल दिया, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई भी दो पास के नंबर हो गए तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इनके बीच में कोई एग्जैक्ट नंबर आता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में एग्जैक्ट नंबर क्या आता है, यहाँ पे 17 18 एंड 19 है, तो यहाँ पे 17 एंड 19 के एग्जैक्ट बीच में क्या आता है 18 आता है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 का स्क्वायर एंड यहाँ पे दोनों जगह पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 1 का है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 324 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 323 मिल गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रूफ करके बता दिया था, बट यहाँ पे जो भी न्यू एस्पिरेंट होगी उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो ये 17 इंटू 19 है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 इंटू 19 है, तो 17 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बीच का इंटू एज इट इज। अब यहाँ पे 19 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब गाइस आपने बचपन में ये फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे a माइनस बी है एंड यहाँ पे इंटू यहाँ पे a प्लस बी है। अब a की वैल्यू क्या है 18 है एंड b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 18 है एंड b की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसका फार्मूला का आंसर क्या मिलता है हमें, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस यहाँ पे b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 18 है, तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बी क्या है 1 है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 324 होता है, तो 324 माइनस 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 323 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस कभी भी आपको ऐसे पास के नंबर दिखते होंगे तो आपको सिंपली एक सेकंड में आपको इस कन्वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं गाइस, आगे क्या बोला है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मेरा अप्रोच ये रहता कि यहाँ पे मैं 323 लिख देता, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 484 हो जाएगा 22 का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे क्या है 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 324 होता है। अब गाइस यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस क्या है, बी स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे 22 का स्क्वायर है माइनस यहाँ पे 18 का स्क्वायर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू क्या है ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी यहाँ पे ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 प्लस 18 लिख सकते हैं एंड यहाँ पे
22 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 22 प्लस 18 क्या आएगा, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 40 आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 इंटू 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 इंटू 4 तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ही आंसर क्या हमें मिल गया, यहाँ पे 160 मिल गया। यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना था, इन दोनों की एडिशन करनी थी जो कि हमने यहाँ पे कर दी, इन दोनों की सबट्रैक्शन करनी थी इंटू लगा के, तो इन दोनों की सबट्रैक्शन कर दी। तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता था, इसको ही मैं यहाँ पे लिख सकता था, यहाँ पे 40 इंटू 4 लिख सकता था यही देखने के बाद। तो यहाँ पे सिंपल आंसर मिलता 160। अब यहाँ पे ये सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है गाइस, कि ये सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, कौन सा ऑपरेशन इजी है ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। एंड ये भी सॉल्व करने के बाद 160 आएगा, आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। तो चले गए, अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 160 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 160, तो यहाँ पे प्लस 160 इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे 76 क्या होता है, 102 होता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिशन कर देंगे, तो यहाँ पे लास्ट का एक डिजिट छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 16 कितना होता है, यहाँ पे 38 एंड 48 होता है, ठीक है। एंड 3 प्लस 0 क्या होता है, 3 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे जो 102 है राइट हैंड साइड में, ये यहाँ पे क्या है, माइनस के साइन में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के साइन में, 102 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये जो 2 है ये मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे 485 में 100 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 585 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुल फुली कंडक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 28 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 784 होता है, माइनस क्या है, 89 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 89 को, माइनस 89 को मैं यहाँ पे 90 लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस 90 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा, इनका सबट्रैक्शन क्या होता है, 89, एंड साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो यहाँ पे 90 एंड यहाँ पे 1 है, तो बड़ा कौन है, 90 है, 19 का साइन माइनस है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। तो यहाँ पे माइनस 89 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस का 19 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 1728 है, ये 12 का क्यूब रूट है, जो कि आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे x माइनस क्या है, यहाँ पे x माइनस 129 है। अब ये जो 129 है ये इस डायरेक्शन में लेके आता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 129 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 129 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस 1 है एंड यहाँ पे ये जो 129 है, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 130 मिलेगा, ठीक है, प्लस का। तो यहाँ पे 1 को मिटा देता हूँ एंड यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस इसमें मैं ये 12 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 84 में 12 ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 96 बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगर मैं 96 में से अगर 90 घटा दूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे 706 मिलेगा, सिर्फ 6 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 706 प्लस क्या है, 130 है, इज इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँ, दूंगा इस 6 को इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0। अब यहाँ पे 700 में यहाँ पे 136 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 836 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, 836, तो यहाँ पे हो गया आंसर नंबर सी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% करेक्ट सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गए, यहाँ पे दोनों फॉर्मूले लगते, एक तो इस परसेंटेज से 20 कट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज से 20 कट कर दिए, अब यहाँ पे भी परसेंटेज से ये 20 कट कर दो, ठीक है। परसेंटेज 20 कटर होता है, क्योंकि परसेंट की वैल्यू यहाँ पे 1/100 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 55 × 13 हो जाएगा। तो 55 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 110/2 लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11 × 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 11 में क्यों ब्रेक कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 11 की ट्रिक मुझे पता है मल्टीप्लीकेशन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे 11 × 4 × 29 कर देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 29 × 4 जा क्या होता है, 116 होता है, जो कि टेबल आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे 116 × 11 है, एंड यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 11 × 10 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 11 × 10 × 13 अपॉन क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने की मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, तो यहाँ पे 11 × 13 × 10 / 2, ठीक है। तो सबसे पहले इस 11 से आप 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, 1 है एंड यहाँ पे 3 है। तो आपको क्या करना है, ये 1 लिखना है एंड थोड़ी गैप देने के बाद यहाँ पे 3 लिखना है। अब यहाँ पे इन दोनों की जो भी सम होगी वो इनके बीच में लिखनी है, तो इनकी सम क्या होती है, 4 होती है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 143 × क्या है, 10 है, इसका मतलब इसके पीछे एक 0 लग जाएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या है, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 116 को
11 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग का नंबर क्या है 1 है, एंड का नंबर क्या है 6 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ी गैप देने के बाद क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा। अब गाइस यहाँ पे राइट हैंड साइड से ऐड करते जाना है। अब यहाँ पे 6 प्लस 1 क्या होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। अब यहाँ पे फिर से राइट से लेफ्ट जाएंगे, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। अब आप इसके एडिशन भी करके देखिए कैलकुलेटर पे यही आएगी, तो यहाँ पे क्या मिल गया 1 2, यहाँ पे 7 6 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो 2 7 14, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो यहाँ पे क्या मिल गया 715 मिल गया। ठीक है, अब ये 715 को आपको यहाँ पे इसमें ऐड करना है, तो आप क्या करो ये लास्ट के यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए एंड यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 12 प्लस 7 तो बच्चा भी कर सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लास्ट के रिमेनिंग डिजिट ऐड कर दो। अब यहाँ पे 76 प्लस 15 क्या होता है, यहाँ पे 81 91 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 91, तो ये एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 1991, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 69 × 28 है, तो 69 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 23 × 3 एंड यहाँ पे 28 एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे मैं 21 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 73 जा एंड यहाँ पे 74 जा 28। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 3 कट हो गया, अब यहाँ पे 23 × 4 है, तो 23 × 4 जा क्या होता है 92 होता है, तो यहाँ पे मैं 92 बना देता हूँ। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 92 बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 92 माइनस क्या है, यहाँ पे 124 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस यहाँ पे 27, यहाँ पे 25 है एंड यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 25 है, तो 25 को मैं यहाँ पे डिवीजन में लिख देता हूँ। इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स प्लस 29, तो यहाँ पे एक्स प्लस यहाँ पे 29, यहाँ पे बॉर्ड मॉस का रूल लगेगा गाइज, तो यहाँ पे बॉर्ड मॉस का रूल लगेगा। इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑपरेशन, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर यहाँ पे सबट्रैक्शन। तो यहाँ पे एडिशन भी था एंड यहाँ पे डिवीजन भी था, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे हम, यहाँ पे एडिशन पहले आता है या डिवीजन, आपको यहाँ पे लेफ्ट से राइट में जाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डिवीजन आता है, उसके बाद एडिशन आता है, तो सबसे पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो इसका मतलब हम सबसे पहले 25 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 × 1 = 25, तो यहाँ पे 2 बचा एंड ये वाला 2, तो यहाँ पे 22 हो गया। अब यहाँ पे 22 को 25 से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं कर सकते, तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 जा एंड ये जो 5 है ये इसके पीछे लगा देंगे। अब यहाँ पे 25 9 जा हो जाएगा 225। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे 109 है प्लस का एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 124 है माइनस का, इसका मतलब यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों का क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे 124 में से आपको क्या निकालना है, 109 निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 एंड 4 में क्या मिलेगा, 15 मिलेगा एंड साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या है 92 है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हमने सॉल्व कर दिया एंड ये भी हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू ये 29 इस डायरेक्शन में प्लस में है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में -29 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 15 है एंड यहाँ पे माइनस का 29 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 34 एंड यहाँ पे 44। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 44 एंड साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो इसका मतलब यहाँ पे 44, तो यहाँ पे 92 एंड यहाँ पे 44 एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे 92 में से 44 निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 9 में से 4 को निकालूंगा, तो 9 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब ये 2 में से 4 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो 5 से 1 कम कर दो एंड 1 इसको दे दो, तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, 48। तो आपको यहाँ पे 48 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 48। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिल रही है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 890, यहाँ पे क्या है प्लस 27 का, यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है 729 होता है, यहाँ पे माइनस में क्या है, माइनस में यहाँ पे 145 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस, तो यहाँ पे क्या है 299 है, इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 299 को यहाँ पे 300 लिख सकता हूँ, 300 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 299 हो जाएगा। अब सबसे पहले इसमें से तो मैं इसको घटा देता हूँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लेट छोड़ देंगे, यहाँ पे भी एक प्लेट छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 72 में से आपको 14 निकालना है, तो क्या बचेगा 68 एंड 58। ठीक है, तो यहाँ पे 58 बच गया। अब यहाँ पे 9 में से 5 निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। वही अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट करने को बोलता है तो आधे लोग तो यहाँ पे बेहोश हो जाते, बट देखिए मैंने कितने सिंपल तरीके से यहाँ पे 58 एंड 4 निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 890 है, तो यहाँ पे इनकी एडिशन करनी है एंड यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, तो ये क्या है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये LHS साइड में आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, तो इनका साइन चेंज होगा,
तो यहाँ पे प्लस 300 का साइन क्या हो जाएगा, माइनस 300। यहाँ पे प्लस माइनस 1 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इस प्लस 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 300 अगर मैंने यहाँ से निकाल दिए, किस में से, इस 890 में से 300 निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे 590 मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिला 590 और यहाँ पे 300 चला गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 585 है। ठीक है, अब इज इक्वल टू एक्स है। अब इन दोनों की हमें एडिशन करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे 2 प्लस छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 20 दे दूंगा। अब यहाँ पे 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 500 + 500 क्या होता है, 1000 होता है। अब यहाँ पे 90 + यहाँ पे 80 क्या होता है, 9 + 8 तो 17 होता है, तो यहाँ पे 170 होता है 90 + 80। अब यहाँ पे 5 + 0 क्या होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे मिला हमें 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे 1 1 7 5। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, 1 1 7 5, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1 1 7 5। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। आपको यहाँ पे सिर्फ मेरा अप्रोच देखना पड़ेगा, मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ, मैं कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर रहा हूँ, मैं कैसे परसेंटेज को 1/100 लिख रहा हूँ, मैं कैसे कोई नंबर को यहाँ पे इजी मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये अप्रोच अगर आपने सीख लिया तो आपको सिंप्लीफिकेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइज। तो यहाँ पे क्या है, 25 है, तो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, इनटू क्या है, यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 99 है। ठीक है, माइनस क्या है, यहाँ पे 19 × 17 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 323 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, इनके एग्जैक्ट बीच में तो यहाँ पे 18 आता है, तो यहाँ पे 18² एंड गैप कितने का है, 18, 19 और 17 में 1 1 का है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे यही आंसर मिलेगा, 329, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर दिया है। इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स प्लस, तो यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, तो आपको यहाँ पे 11 का क्यूब क्या मिलता है, यहाँ पे 1331 मिलता है, यहाँ पे आपको 12 का क्यूब क्या मिलता है, 12 का 1728 मिलता है, आपको यहाँ पे 13 का क्यूब क्या मिलता है, 13 का क्यूब यहाँ पे 21, यहाँ पे 97 मिलता है, तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट करके तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं 13 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो प्लस का 13 है, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस का 13 बना देता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो इसे मैं अच्छे से भी लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि गाइस अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया तो आप बड़ी दुविधा में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 13 एंड यहाँ पे हो जाएगा x। अब ये माइनस का 13 है एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होती है, तो यहाँ पे अगर मैं 13 ऐड कर दूंगा 23 में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 26 और 10 मतलब 36 मिलेगा, तो यहाँ पे 36 बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 336 एंड साइन किसका लगेगा, यहाँ पे बड़े नंबर का लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, तो ये दोनों की जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 59 के बाद 20 लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर को मैं 100 से 10,000 से 2,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जितने जीरो हो गए वो जीरो इसके पीछे लगेंगे, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 × 1 = 4 मिलेगा, यहाँ पे 1 बचा 9 बचा, यहाँ पे 4 × 4 = 16 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो यहाँ पे 4 × 7 = यहाँ पे 28 हो जाएगा, 2 + 0 = 0, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ पे 99 एंड यहाँ पे -336 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे इसमें से आप क्या कर दो, 100 घटा के 1 जोड़ दो, क्योंकि आप इसे ही कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसे -100 यहाँ पे +1 लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, 100 घटा के 1 जोड़ दो, तो आप इसमें से 100 निकालोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, यहाँ पे 1400 है, तो 100 निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1300 बचेगे। ठीक है, एंड यहाँ पे 1300 बचे, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से आपको क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 99 निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 100 निकाल के 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो ये भी हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 1376 माइनस क्या करना है, यहाँ पे 336 करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो गाइस, यहाँ पे 137 में से 33 निकाल दो, तो आपको क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 104 बचेगा, क्योंकि 4 ही तो बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 137 में से 33 चला गया, 104 बचता है, अब यहाँ पे 6 में से 6 चला गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 और 40 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है आंसर में, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या है,
1040 है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या है 21 x है, तो यहाँ पे 21x डिवाइडेड बाय क्या है 4.2 है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 42 लिखूंगा एंड यहाँ पे ऊपर 10 लिखूंगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था 4.2 का, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट एक प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो पॉइंट जो होता है पॉइंट वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है कितने प्लेस, अगर यहाँ पे एक जीरो होगा तो एक प्लेस शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे दो जीरो हो गए तो यहाँ पे दो प्लेसेस शिफ्ट होगा, अगर यहाँ पे थ्री जीरो हो गए तो यहाँ पे थ्री प्लेसेस शिफ्ट होगा। अब वही गाइस, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 10 से 100 से 1000 से एंड सो ऑन, कुछ भी हो जाएगा, कितने भी जीरो रहेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा कितने प्लेसेस, यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतने जीरो, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे 243 होगा डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं, इसका ही मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट 0000000 ऐसे इनफाइनाइट जीरो रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट नहीं है, इसका ही मतलब यहाँ पे पॉइंट तो रहता ही है 101%, क्योंकि आप MRP पे टैग पे भी दिखे होंगे, यहाँ पे क्या रहता है 243.0 ऐसे रहता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 243 है, इसकी वैल्यू 2430 नहीं है, ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24.3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब गाइस यही एग्जांपल मैं अगर ऊपर लेता हूँ, तो यहाँ पे 243 इंटू क्या करेंगे, इंटू हम 10 करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, 243 के बाद है, ठीक है। इसका मतलब ये सिंपली 243 है। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना, मल्टीप्लाई किया वो भी 10 से, इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो है, तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे पॉइंट कितने प्लेसेस, एक प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था, तो यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम जीरो है, इसका मतलब पॉइंट के बाद जीरो रहेगा तो कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हमने इसे सिंपली यहाँ पे 243 लिखा था। तो यहाँ पे पॉइंट एक प्लस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 243 एंड ये जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 2430 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यही पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये पॉइंट एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इसी को कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 210 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 21 जा एंड यहाँ पे 21 जा, तो ऊपर क्या आ गया, यहाँ पे 10x डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो पॉइंट था इसका 42 बन गया एंड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो यहाँ पे जो पॉइंट था 21 के बाद वो पॉइंट एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 210 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या मिला, यहाँ पे 10x/2 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में 74 है इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 374 है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी 74 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस के साइन में है, तो इस हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस के साइन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस करने के बाद यहाँ पे सिंपली 300 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, 10x/2 इज इक्वल टू क्या है 300 है, तो एक से एक जीरो कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस 10 को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो 10 यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन में था और डिवीजन में जाने के बाद जीरो तो कट ही होना था, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ से जीरो कट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30x2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या था डिवीजन में था, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 60, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या है 37.5 है, तो ये किसकी वैल्यू है गाइस, यहाँ पे 12.5 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1/8 होती है, तो यहाँ पे इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 3/8, ठीक है। इसकी वैल्यू इंटू क्या है, इंटू यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 20, तो यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 8 × 16, 3 बचे 2 बचे 32, 8 × 4 = 32 एंड ये 0 एज इट इज। अब यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 24 × 3 क्या होता है गाइस, 24 × 3 तो यहाँ पे 72 होता है, ठीक है, एंड ये 0 पीछे का एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स एंड यहाँ पे क्या है, दोनों के पास के नंबर, तो यहाँ पे
पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 196 माइनस 1, मतलब यहाँ पे 195 आ गई। इसका मतलब 14 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये पास के दो नंबर है, इसके एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, 14 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 14 लिखूंगा तो यहाँ पे 14 एंड 15 में 1 का गैप है, तो यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे 195, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये 195 को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 195 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 195 इज इक्वल टू एक्स बन गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप क्या करो गाइस, इसमें से 200 घटा के 5 जोड़ दो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुने, 200 घटा के 5 जोड़ दो, ये आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। अब 200 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 89 बचेगा, सिंपली 200 चला जाएगा इसमें से, तो और 5 जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 94 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 94 है एंड यहाँ पे प्लस 72 है, तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे 200 घटा दिया एंड 5 जोड़ दिया। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, इन दोनों का आंसर आता है माइनस 195, ठीक है। तो माइनस 195 को मैं इसमें लिख सकता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे मैं 200 घटा के 5 ऐड कर सकता हूँ। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं गाइस, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना तो आप ये देख के ही समझ सकते हैं कि 200 निकाल के 5 जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 94 है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें 100 ऐड करके 6 निकाल दूंगा, 100 ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 ऐड करूंगा तो यहाँ पे 820 हो जाएगा, 6 निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 814 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, 100 ऐड करके 6 निकाल दो, तो हमने 100 ऐड करके यहाँ पे 6 निकाल दिए। अब यहाँ पे इसका ही आंसर क्या आता है, 94 आता है, क्योंकि 94 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस का 100 माइनस 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 माइनस 6 क्या होता है, प्लस का 94 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, 814। तो आपको यहाँ पे 814 कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, 814। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या है, 39 का स्क्वायर है, तो 39 का स्क्वायर किसके बीच में लाया करता है, यहाँ पे 25 एंड 15 के बीच में लाया करता है। तो इनका स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, ये 15 से कितना कम है, 39, 15 से तो ये -11 कम है, -11 कम है तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो ये 21 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसका मतलब प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 1 ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे माइनस का 11 एंड प्लस का 1 क्या होता है, यहाँ पे माइनस का 10 होता है, साइन बड़े नंबर का लगेगा, माइनस एंड यहाँ पे प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे 11 माइनस 1 10 होगा, एंड साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो यहाँ पे 11 बड़ा था तो यहाँ पे माइनस का 10। अब ये जो माइनस का 10 है, ये ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 में से घटाना होगा, घटाना ही क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 25 माइनस 10 क्या होगा, यहाँ पे 15 होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1521 आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 39 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 1521, ठीक है। आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पे मैं 1521 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड यहाँ पे 21। अब यहाँ पे क्या है, -199 है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, 200 घटा के 1 जोड़ दो, 200 घटा के 1 जोड़ दिया, अगर मैंने यहाँ पे 200 निकाल दिया तो ये बचेगा, 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 200 निकाल के मैंने क्या बोला, 1 जोड़ दो, तो मैंने तो वही किया, 200 निकाल के 1 जोड़ दो, एंड इसका आंसर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -99 मिलेगा। -199 निकालना क्या, या फिर माइनस का 200 निकालने के बाद 1 जोड़ना क्या, बात तो एक ही है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस इस परसेंटेज से ये 20 कट कर दो, तो यहाँ पे 16 × 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 48 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या आता है, 441 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इसे ही सॉल्व करने का मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ गाइस, आपको सबसे पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 4 = 24, पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 20, अब यहाँ पे 6 × 4 = क्या होता है, 6 × 4 = 24 होता है, तो यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे पीछे एक प्लेस है तो यहाँ पे 0, अब यहाँ पे 6 × 1 = 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 4, यहाँ पे 6 × 2, तो इसके आंसर ये मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसमें यहाँ पे 48 ऐड करना है, ठीक है, 48 अगर इसमें ऐड करना है तो आप क्या करोगे, जिसे 50 अज्यूम करो एंड इसे 50 अज्यूम करो, तो यहाँ पे 50 के लिए कितने कम है, तो यहाँ पे 50 के लिए 4 कम है एंड यहाँ पे 50 के लिए 2 कम है, तो यहाँ पे 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है। तो आप 100 में से 6 निकाल दो, 100 में से 6 निकाल दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2694 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये मिलेगा। अब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि मैंने कैसा किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 26, यहाँ पे क्या है 46 एंड यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे 48 करना है, तो मैंने सिंपल क्या कर दिया, यहाँ पे 50 ले लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे 50 ले लिया। अगर यहाँ पे 50 50 रहता तो क्या हो जाता, 50 + 50 यहाँ पे
100 हो जाता, ठीक है, यहाँ पे 100 हो जाता। अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, अब यहाँ पे कितने बढ़ा दिए मैंने गाइज, यहाँ पे प्लस के 4 बढ़ा दिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कितने बढ़ा दिए, यहाँ पे प्लस के 2 बढ़ा दिए, 48 में 2 ऐड करूँगा तो 50 मिलेगा, एंड यहाँ पे 46 में 4 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 50 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटल कितने बढ़ा दिए गाइज, टोटल 4 बढ़ा दिए एंड यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, इसका मतलब मैंने टोटल कितने बढ़ा दिए, टोटल तो यहाँ पे मैंने 6 बढ़ा दिए। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अगर यहाँ पे 50-50 रहता तो यहाँ पे 100 आता, तो 100 कब आएगा गाइज, यहाँ पे 6 ऐड करने के बाद, इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे 94 वैल्यू होगी, तभी तो यहाँ पे 94 में मैं 6 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 100 हो गए। आई होप कि आपको मैंने काफ़ी डिटेल में मैं काफ़ी बारीकी से समझाया होगा गाइज, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि अगर आप मेरा अप्रोच फॉलो करते जाओगे डेली बेसिस पे, आप ये पूरे सीरीज कंप्लीट देखते जाओगे, 1000 क्वेश्चन करते जाओगे, तो आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आपकी कभी भी सिंप्लीफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो फिर प्री की एग्जाम रहने दो या फिर मेंस की एग्जाम रहने दो, आपको मेरे साथ अप्रोच के साथ 1000 क्वेश्चन करने ही गाइज, आप ये पूरे 1000 क्वेश्चन करने के बाद यही सीरीज एक 2x पे देख सकते हैं या फिर सिर्फ क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा वीडियो देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं, बट कब, आपको पहले सिर्फ 1000 सीरीज पूरे देखने पड़ेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन का अप्रोच देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरा अप्रोच ध्यान में आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है गाइज, क्योंकि बेस्ट अप्रोच है जो कि मैं बचपन से फॉलो करता हूं। अब यहां पे क्या बचा है गाइज, अब यहां पे इन दोनों की एडिशन क्या हो गई, इन दोनों की एडिशन तो ये हो गई, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करना है, अब इसमें 1322 ऐड करना है, तो आप क्या करो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, तो आप क्या करो 26 में 13 ऐड करना है, तो बच्चा भी कर सकता है, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 22 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 94 है, अब एक एक प्लेस छोड़ दो, ठीक है, अब यहाँ पे 2 में आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे 2 में 9 ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पीछे 20 लगा दूंगा क्योंकि यहाँ पे पीछे 20 थे, तो यहाँ पे 2+9 क्या होता है, मतलब 20+19 क्या होता है, यहाँ पे 111 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 2+4 क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे 6-1 एंड यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 4-4016, तो यहाँ पे आपको 4016 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 4016, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको इस भी क्वेश्चन में क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है 44.44%, तो ये किसकी वैल्यू है, ये 4/9 की वैल्यू है, क्योंकि 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू 11/11% होती है, जो कि मैंने क्लास 1 में ऑलरेडी प्रीवियस सेट में बता दिया है कि यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 44.44% की वैल्यू क्या हो गई, 4/9 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 1800 है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 बचेंगे एंड यहाँ पे 200 का 4 टाइम्स, इसका है मतलब यहाँ पे 800 माइनस का क्या है 11 एंड यहाँ पे 21 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे -921 है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2921 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों की एडिशन कर दो, अब यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 8 है, तो 9+8 क्या होता है, 9+8 तो यहाँ पे 17 होता है एंड यहाँ पे 21+00 क्या होता है, 21 ही होता है, तो इसका एडिशन ये हो गया। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, यहाँ पे 11-21 घटाना है, तो 21 में से 21 चला गया, 0 बचेगा दोनों जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, 1700 में से 1100 निकालना है, तो क्या बचेगा, 600 बचेगा, ये तो बच्चा भी कर सकता है, तो यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे तो आपको प्योर एडिशन सबट्रैक्शन करनी है, तो आप क्या करो, ध्यान से सुनिए मैं क्या करता हूँ, आप सबसे पहले तो ये फर्स्ट डिजिट पे खेलिए, आप क्या करो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाओ, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में लेके गया, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सभी प्लस नंबर की एडिशन करनी है, तो सबसे पहले हम एक एक डिजिट पे खेलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है गाइस, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 1+6 क्या होता है, 1+6 7, 7+4 यहाँ पे क्या होता है, 7+4 11, 11+1 क्या होता है, यहाँ पे 12। अब यहाँ पे 12 में से 9 घटाना है, 9 क्यों घटाना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, 12 में से 9 चला गया, कितना बचता है, 3 बचता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 एंड यहाँ पे इसके बाद 3 डिजिट थे, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3000, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सेकेंड डिजिट पे खेलेंगे, तो सेकेंड डिजिट पे अगर मैं यहाँ पे खेलूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 5, तो 5+5 10, 10+5 15, तो 15+8 क्या होता है 23। अब यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे माइनस का 8, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक तो 15 था, ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 8 एंड यहाँ पे माइनस का 8 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपली 15 बचा। अब यहाँ पे 15 के बाद यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, मतलब 1500 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे 7
सेवन प्लस नाइन क्या हो जाएगा 16, 16 प्लस सेवन क्या हो जाएगा 23, 23, 23 एंड यहाँ पे 2, ठीक है 23 प्लस 2 25। अब यहाँ पे 25 में से यहाँ पे माइनस का 5, 25 माइनस 5 क्या होता है 20 होता है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे पीछे एक जीरो 20 के, क्योंकि यहाँ पे पीछे एक प्लस थी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट के डिजिट पे खेलेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन एंड ये है लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी। अब यहाँ पे लास्ट के डिजिट पे खेलेंगे तो क्या होगा 5, 5 प्लस 8 क्या होता है 13, 13 प्लस 8 क्या होता है 21। अब यहाँ पे 21 माइनस 4 क्या होता है 21 माइनस 4 17 होता है। अब यहाँ पे 17 प्लस 9 क्या होता है यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 6 26 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 26 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला 4726, तो यहाँ पे 4726। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है 18 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 20 का स्क्वायर, तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे 20 का स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब 20 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर है, इसे ही हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड यहाँ पे ए माइनस बी, जो कि मैंने प्रीवियस सेट में बता दिया है। तो इसे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, यहाँ पे 40 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी की वैल्यू 22 है, ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 18 प्लस 22 इन दोनों का एडिशन क्या होता है, इन दोनों का एडिशन तो यहाँ पे 40 होता है। अब यहाँ पे इन दोनों का सबट्रैक्शन करना है ए माइनस बी का, तो इन दोनों का सबट्रैक्शन क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया 4 4 16 एंड ये 0 एज इट इज 460। तो इसका आंसर मैंने एक्यूरेट निकाल दिया 460। अब आप यहाँ पे 324 करते, इसका स्क्वायर यहाँ पे 484 करते और यहाँ पे माइनस करते, तो यहाँ पे क्या आंसर मिलता, यहाँ पे माइनस 160 आंसर मिलता और यहाँ पे भी क्या आंसर मिला माइनस का 160। माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे 22 का साइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 22 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 160, ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसके पूरी जगह पे मैं माइनस का 160 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 160। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 34 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 34 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो 34 50 से कितना कम है, यहाँ पे 34 50 से यहाँ पे 16 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 16 कम है एंड 16 का स्क्वायर क्या आता है यहाँ पे 256 आता है। तो हमें लास्ट के 2 डिजिट चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं 56 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे जो प्लस का 2 है, तो ये इसे मैं ऐड करना है प्लस का 2, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 14 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद माइनस का 14 मिल गया। अब यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा वो आपको क्या करना है 25 में से घटाना है। घटाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे 15 में से माइनस करने के बाद ही यहाँ पे क्या आएगा 34 आएगा। अब यहाँ पे 25 माइनस 14 क्या होगा, यहाँ पे 11 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया 11 आ गया, ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस साइन है एंड यहाँ पे माइनस साइन के साथ साथ क्या है माइनस 29 का स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर क्या आता है 841 होता है, ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको सिंपली लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देने हैं। अब यहाँ पे 11 में से 8 निकालू, क्या मिलता है 11 में से 8 गया 3 बचता है। अब 56 में से 41 घटा दो, 56 में से 41 चला गया 9 और 6 क्या होता है 15 बचता है। तो यहाँ पे 315 वैल्यू आ गई, 315 में से क्या घटाना है माइनस का 160 घटाना है, ठीक है। तो आप क्या करो 31 में से 16 घटा दो, तो इसका आंसर क्या आता है 25 एंड यहाँ पे 15 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 में से 0 चला गया, क्या आता है 5 ही आता है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला 155, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 150 इंटू 27 है, तो 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 300 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे 27 माइनस का क्या है, माइनस का यहाँ पे क्या है 1800 इज इक्वल टू क्या है इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या है एक्स इंटू यहाँ पे 150 है। तो आप क्या करो इस 150 को फिर से यहाँ पे 300 अपॉन 2 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 अपॉन 2, तो यहाँ पे आप एवरी जगह पे 300 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ का 300 कट हो जाएगा, यहाँ पे 300 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 600 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 300 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 300 से डिवाइड करने के बाद सिर्फ 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा 300 का, ठीक है। तो यहाँ पे 18 को 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे x अपॉन 2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
यहाँ पे 27/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27/2। अब गाइस यहाँ पे एडिशन सब्रैक्शन में यहाँ पे सब्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 6 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे इस 1 को मैं 2 तो बना सकता हूँ ना। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। तो यही पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 12/2। तो यहाँ पे मैं 12/2 भी लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का सब्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर एक ही बार कॉमन एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। 27 में से 12 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। तो यहाँ पे 15/2 एंड इज इक्वल टू क्या है, 2x/2। तो ये 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में थे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू तो 15 मिल गई, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज क्या है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 6/25 लिख सकते हैं मैं 24% को, क्योंकि यहाँ पे 4% की वैल्यू क्या है, 4% की वैल्यू 1/25 है। तो दोनों साइड को मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6/25 की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 24% मिल गई, ठीक है। इनटू क्या है, इनटू यहाँ पे 18, यहाँ पे 50 है, -160 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 25/7 का क्या होता है, 175 होता है। तो क्या बचा, 10 बचा एंड ये 0 एज इट इज, 25/4 = 100। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 74। तो यहाँ पे 74 × 6 माइनस यहाँ पे 160 -45 इज इक्वल टू एक्स। अब ये -45 को मैं इस डायरेक्शन में लेके गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -205 आंसर आएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 × 6 क्या होता है, यहाँ पे 42 होता है, और यहाँ पे 4 × 6 क्या होता है, 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो 4 में से क्या निकालना है, 20 और 5 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 में से 20 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 24 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 में से 5 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, एक इसको दे देंगे, तो यहाँ पे 14 में से 5 निकालेंगे, तो यहाँ पे एक चला जाएगा तो 29 बचेगा, एंड 14 में से 5 चला गया तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 239, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 45 का स्क्वायर है। तो कभी भी गाइस आपको 5 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 15 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 25 का, आपको 35 का, आपको 45 का स्क्वायर निकालना हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, तो आपको सिंपली एक चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर मतलब 25 × 25, यहाँ पे 15 का स्क्वायर मतलब 15 × 15, यहाँ पे 35 का स्क्वायर मतलब 35 × 35, एंड यहाँ पे 45 × 5, एंड यहाँ पे 5 × 5। तो ये लास्ट के 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 5 × 5 है ऑलवेज एवरी जगह पे। तो लास्ट में तो आपको 101% यहाँ पे 25 लिखना ही है दोनों जगह पे। तो आप क्या करो, अब यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में एवरी जगह पे 25 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 25, यहाँ पे 25। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट में 1 है 15 के, तो यहाँ पे 15 के 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो 3 × 4 क्या होता है, 12 होता है। तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 12 × 25 होता है। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 × 4 क्या होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर क्या हो गया, 20 × 25 हो गया, ठीक है। आई होप कि मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया होगा। अब यहाँ पे 45 का स्क्वायर निकालना होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 4 × 5 जो क्या होता है, 4 × 5 जो यहाँ पे 20 होता है। तो इसका स्क्वायर ये हो गया, प्लस यहाँ पे 175 हो गया। अब ये जो 25 है, ये इसको दे दो, तो इसको 25 देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। एंड यहाँ पे 25 चला गया तो यहाँ पे 2000 बचेगा। अब यहाँ पे 2000 + 200 क्या होता है, 2200 होता है, ठीक है। तो इसके पूरे जगह पे मैंने 2200 बना दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज से, इस परसेंटेज से ये 20 कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कट कर दिए। अब ये 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 × 2 लिख सकता हूँ। और गाइस यहाँ पे इंटू में क्या है, 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। तो 16 × 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे -32 × क्या हो जाएगा, 11 में क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 11 की ट्रिक मुझे पता है। 11 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट
डिजिट है एंड ये जो लास्ट डिजिट है ये थोड़ी गैप देके लिखे गए एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में इन दोनों की सम आएगी। तो यहाँ पे 3+2 क्या होता है 5 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 352। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे इसमें से आपको क्या घटाना है 352 घटाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 22 में से 3 तो बच्चा भी निकल सकता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 19 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 0 में से 52 जा सकता है क्या, 00 में से नहीं जा सकता, तो इस 19 में से एक ले लो, तो यहाँ पे एक देने के बाद क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 में से यहाँ पे एक चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 बचेगा, तो यहाँ पे 100 में से 52 चला गया तो क्या बचेगा 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 48। तो इसका आंसर क्या हो गया 1848, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। तो यहाँ पे क्या है 33.33%, इसका मतलब इससे मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/3, 1/3 इनटू क्या है यहाँ पे 2100 है, तो यहाँ पे 1/3 से अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 700 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा 700 एंड यहाँ पे क्या है 700 एंड यहाँ पे 879 है, इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस यहाँ पे 1270 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस आपको यहाँ पे सबट्रैक्शन करना है, तो आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, तो आप ये लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। तो 8 में से 7 चला गया क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा एंड यहाँ पे 79 में से 0 गया क्या बचेगा 79 ही बचेगा। एंड साइन किसका लगेगा बड़े नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्या है ये इस डायरेक्शन में माइनस के साइन में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो प्लस के साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1217 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे प्लस का साइन एंड यहाँ पे माइनस का साइन, अब यहाँ पे इन दोनों का सबट्रैक्शन करना पड़ेगा प्लस माइनस है इसीलिए। अब गाइज आप क्या कर दो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या है 12 है, अब यहाँ पे 12 में से आपको क्या निकालना है 1 निकालना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 बचेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 1 में से यहाँ पे 1 में से 7 को निकालना है, या फिर आप क्या करो यहाँ पे 17 में से आप यहाँ पे 79 को निकालो, तो 17 में से 79 नहीं जा सकता, तो इसका 1 यहाँ पे दे दो, तो यहाँ पे 117 आ जाएगा। ठीक है, अब 117 आ गया एंड यहाँ पे 10 आ गया, अब यहाँ पे 117 में से क्या निकालना है 79 निकालना है, तो आप क्या करो यहाँ पे फिर से 11 में से 7 निकालो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, और अब यहाँ पे 7 में से 9 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो आप इस 4 को 3 में कन्वर्ट कर दो। अब यहाँ पे 3 बना दिया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब यहाँ पे आप 17 में से 9 निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 38, तो यहाँ पे 1038 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया गाइज। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं एवरी वीडियोज़ की लिंक देता हूँ, एवरी एग्जाम की अपडेट देता हूँ, और बहुत जल्द हम यहाँ पे करंट अफेयर के भी सेशन लेने वाले हैं MCQ टाइप में, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जय सियाराम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।